हाय गाइस, माय नेम इज राशि शुक्ला, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए आई हूँ मीशो हॉल। मैंने मीशो से काफी रीजनेबल प्राइस में काफी सारे प्रोडक्ट परचेज करे हैं, क्योंकि मीशो पर सेल चल रही थी तो काफी रीजनेबल प्राइस में प्रोडक्ट परचेज करे हैं। तो ये छोटा सा हॉल होने वाला है। मैंने कुछ रैंडम चीजें परचेज करी है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वैसे ये सारी चीजें आपके लिए भी बहुत ही यूजफुल होने वाली। मैंने ये सारी चीजें 1000 रुपीज में, आई थिंक 1000 या 1500 रुपीज में परचेज करी है। वन बाय वन सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आपको कोई भी चीज पसंद आती है तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के कोड से परचेज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट जो चीज मैंने परचेज करी है वो है ये दो जॉगर। बहुत ही कंफर्टेबल है और विंटर्स के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि विंटर्स आ रहे हैं तो जीन्स में ठंडी लगने लगती है। जॉगर, अच्छे गर्म जॉगर, उसके नीचे आप लेगी भी डाल सकते हैं, काफी कंफर्टेबल भी रहता है। तो यहाँ पे मैंने 2637 समथिंग में दो जॉगर परचेज करे हैं, जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। इस तरह में आपको 2 pairs में काफी सारे कलर्स मिल जाएंगे, ब्लैक एंड व्हाइट, पर्पल एंड व्हाइट, मतलब काफी सारे कलर कॉम्बिनेशन में इस तरह के दो जॉगर आपको 650 या 6400 समथिंग में मिल जाएगा। तो फर्स्ट जो जॉगर मैंने परचेज किया है वो इस समथिंग क्रीम कलर का है, जो कि बहुत ही कंफर्टेबल है। आई थिंक ये मैंने लार्ज साइज में ऑर्डर किया है, बट मुझे लगता है मुझे ये मीडियम साइज में ऑर्डर करना चाहिए था। तो आपको मीडियम साइज में मिल जाएगा, बहुत ही कंफर्टेबल है, इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। आप पास से देख सकते हैं, इसका ये जो इलास्टिक है काफी कंफर्टेबल है और विंटर्स के लिए काफी अच्छा है। कपड़ा भी इसका काफी अच्छा खासा है, तो इसमें बिल्कुल आपको ठंड नहीं लगेगी। अगर आप कुछ और भी नीचे लेगीज या कुछ भी डालना चाहते हैं तो आप बहुत इजीली डाल सकते हैं। इसमें 2 pockets दी गई है और बहुत ही कंफर्टेबल है ये जॉगर। नीचे से इस तरह की इलास्टिक दी गई है और कपड़ा भी बहुत अच्छा, मटेरियल भी काफी अच्छा है। इतने मतलब अगर 2 joggers 600 समथिंग में पड़े हैं तो मतलब 300 के आसपास एक जॉगर पड़ रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इस क्वालिटी का जॉगर आपको बाकी वेबसाइट्स पे नहीं मिलेगा। एंड देन दूसरा जो जॉगर मैंने परचेज किया है वो कुछ इस तरह का ब्राउन कलर का है, और आजकल इस तरह के ब्राउन कलर काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। मैंने इस जॉगर के साथ काफी सारे स्टाइल्स भी आपके साथ शेयर करे हैं। अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे वहां जाके भी फॉलो कर सकते हैं। वहां पर भी मैंने काफी अच्छे अच्छे लुक क्रिएट करे हैं, जिससे आपको भी आइडिया मिल सकता है कि आप कैसे लुक क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सेकंड मैंने ब्राउन कलर का जॉगर मंगवाया था, सेम साइज है, सेम क्वालिटी है और इसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी है। पास से देख सकते हैं इस तरह का कुछ इसका मटेरियल दिया गया है, जो कि अच्छा, और स्टिचिंग भी इसमें बहुत अच्छी है, बिल्कुल भी ऐसे नहीं है कि खुलने वाला है। जब इस तरह की डबल स्टिचिंग होती है तो मतलब जॉगर की क्वालिटी काफी अच्छी होती है, काफी अच्छे से स्टिच किया होता है, काफी लंबे टाइम तक चलेगा। तो ये दोनों जॉगर मैंने काफी अच्छे रीजनेबल प्राइस में परचेज किया था। देन मैंने यहाँ पे 2 इस तरह के लुक क्रिएट करने के लिए या फिर कहीं पार्टी फंक्शन में जाने के लिए इस तरह के 2 गजरे परचेज करे थे, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी में आए हैं और एकदम ये असली गजरे जैसे लग रहे हैं। मतलब आप इन्हें बार बार यूज कर सकते हैं और ये बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मुझे मिला था। आई थिंक 120 समथिंग में मैंने ये दोनों परचेज करे थे। आपको बहुत सारे स्टाइल के गजरे मिल जाएंगे, मतलब आप खुले फ्लावर वाले, रोजेज वाले, और जो एकदम खुला सा गजरा होता है जिनको ऐसे बालों पर सीधा लगा सकते हैं, काफी अच्छे फ्लावर वाले गजरे आपको इजीली मीशो पर मिल जाएंगे, तो वहां से जाके आप परचेज कर सकते हैं। बाकी इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और पता है इसमें से एक बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है, जैसे कि इतर टाइप की या फिर अगरबत्ती समथिंग टाइप की, बहुत ही स्ट्रांग इसमें से खुशबू आ रही है। मैंने मतलब इसे पैकेट से निकाल के ऐसी बाहर ही रख दिया था, मतलब ऐसी मेरे ड्रॉअर में, फिर भी इससे अभी भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जब आप इसे परचेज करेंगे आपको खुद समझ आ जाएगा कि आप इस पे परफ्यूम भी छिड़क सकते हैं अगर आपको बालों में लगाना है, और काफी अच्छे से आप अपने हेयर स्टाइल बना सकते हैं इस गजरे का यूज करके। तो ये बहुत ही यूजफुल होने वाला है, आप इसको बार बार यूज कर सकते हैं, आप इसको वॉश भी कर सकते हैं आप जब चाहें, और काफी सारे कलर्स में भी मिल जाएंगे जिसमें ऐसे फ्लावर्स लगे होते हैं रेड। मुझे सिंपल सा गजरा चाहिए था क्योंकि इस तरह का गजरा काफी यूनिक लगता है। अब जो मैंने थर्ड चीज परचेज करी है वो मैंने 179 समथिंग में 3 pendants परचेज करे हैं। वैसे तो देखें 50-60 रुपीज ईच पड़ेगा, बट इस तरह के अच्छे
क्वालिटी के पेंडेंट्स बाकी वेबसाइट्स पे काफी एक्सपेंसिव मिलते हैं। अगर आप लोकल मार्केट सर्च करेंगे तो आई थिंक वहां पे मिल जाए, बट 100 से नीचे आजकल कोई भी पेंडेंट नहीं मिलते हैं। तो फर्स्ट मैंने ये बटरफ्लाई वाला परचेज करा है, इसकी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी और ये एक सिंपल सी बटरफ्लाई है। इस तरह की एक चेन मुझे काफी अच्छी लगती है, जैसे कि ये मैंने पहन रखा है, ये दो लेयर में है। ये मैंने आई थिंक अर्बेनिक से परचेज किया था, बट मुझे कुछ एक तरह एक ही लेयर में इस तरह का ये पेंडेंट चाहिए था। जो सेकंड पेंडेंट मुझे रिसीव हुआ है वो कुछ इस तरह का हार्ट शेप का है, काफी अच्छा सा हार्ट है, इस तरह की लव लिखा हुआ है समथिंग में, ये भी बहुत ही प्यारा है। ज्वेलरी में डिफरेंस ये है कि ये तीनों अलग अलग कलर के, मतलब बिल्कुल डिफरेंट है। इसका कलर कुछ और है, इसका कलर कुछ और है, और ये जो थर्ड ज्वेलरी है इसका कलर कुछ और है, मतलब काफी डिफरेंट कलर में, काफी डिफरेंट स्टाइल में है, तो काफी अच्छे से कैरी भी किया जा सकता है। पेंडेंट रिसीव हुआ वो इस तरह का हार्ट शेप आता है, और जो मैंने कुछ यहाँ पे नेल आर्ट के लिए ये कुछ रैंडम से परचेज करे थे, बट उसमें काफी अच्छे दिख रहे थे, काफी यूनिक दिख रहे थे स्टाइल्स, बट मुझे जो रिसीव हुए हैं बिल्कुल मुझे कुछ खास पसंद नहीं आए। इस तरह के मुझे रिसीव हुए हैं, देख सकते हैं, फर्स्ट जो है ये फ्लावर वाला है और दूसरा ये भी कुछ इसी टाइप का है और थर्ड ये है। सिंपल आपने इस तरह से नेल पेंट लगा ली, देन आपको आपको इसमें से इस तरह का ये एक स्टिकर निकालना है और आपको सीधा अपने नेल्स पे लगा लेना है। तो इस तरह का काफी अच्छा सा फ्लावर है, आप अलग अलग कलर्स नेल कलर्स के साथ ट्राई कर सकते हैं। इसमें आपको काफी सारे डिफरेंट कलर मिले, जैसे कि ब्लू कलर, पिंक कलर, तो आप जैसे भी नेल पेंट के साथ कॉम्बिनेशन बनाना चाहते बना सकते हैं। अब मैंने ये ब्लू वाला लगाया, मैं अभी ऐसी रैंडमली लगा रही हूँ, आप अपने हिसाब से अच्छे से लगा सकते हैं, स्टिक कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से लग रहा है, इस तरह से आप नेल पेंट लगाने के बाद इनको इजीली अपने नेल्स पे स्टिक कर सकते हैं, काफी अच्छा सा लुक क्रिएट हो जाता है इसके बाद। तो इस तरह से आप इन नेल आर्ट्स का यूज कर सकते हैं। इस तरह के 4 पैक मुझे रिसीव हुए हैं, ये भी आई थिंक 150 या 40 समथिंग के आसपास मुझे रिसीव हुए हैं। इसमें 4 पैक्स हैं और हर में काफ़ी सारे हैं, मतलब गिन नहीं सकते, बट काफ़ी 20-30 आपको सारे सेट्स मिल जाएंगे। एक में आई थिंक 30 तो होंगे, 20-30s हैं, तो आप इसे काफ़ी टाइम यूज़ कर सकते हैं। बाकी आप बाद में नहीं चाहते तो इसे निकाल के वापस स्टिक भी कर सकते हैं, इसकी ग्लू काफ़ी टाइम तक रहती है और काफ़ी देर तक ये रुके रहते हैं, तो काफ़ी यूजफुल है इस तरह के नेल आर्ट्स। देन अब जो मैंने लास्ट में चीज परचेज करी है वो है ये शूज। मुझे इस तरह का शूज चाहिए था क्योंकि आजकल ये काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, और मैंने इसका प्राइस चेक किया मिंत्रा पे, मैं मिंत्रा पे ही लेने का काफी टाइम से सोच रही थी, बट मिंत्रा पे ये वाले शूज मुझे पड़ रहे थे 800 के, मतलब डिस्काउंट सेल हर चीज के बाद ये 800 के ही इसी तरह के सेम शूज मुझे 800 में मिल रहा था मिंत्रा का। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखा दूंगी जहाँ पे 800 का ये सेम शूज मिला, और ये सिर्फ मैंने मीशो से 400 में परचेज किया है। मुझे जैसे ही दिखा मैंने 400 में परचेज कर लिया, क्योंकि मुझे बिल्कुल सेम शूज चाहिए थे और काफी ज्यादा एक्सपेंसिव मिल रहे थे, तो मैंने परचेज कर लिया। बाकी इसमें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल ये होता है कि मतलब आपको जब अपने पैर डालने हो तो काफी मतलब आपको मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि ये काफी लॉन्ग में है, बट ये इस तरह के एंकल लेंथ वाले शूज काफी ज्यादा कूल लगते हैं। इसको आप नॉर्मल कैजुअल आउटफिट के साथ कैरी कर सकते हैं। मैं सच बोलूं इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी होनी चाहिए। आप फैशन के लिए पहनना चाहते हैं तो ये वाला शूज आपके लिए काफी यूजफुल होगा, आप वीक में 1-2 दिन स्टाइल के लिए या अलग अलग ड्रेसेस के साथ इजिली कैरी कर सकते हैं। तो बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में इस तरह के शूज आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा दाग वाग भी लग गया है क्योंकि मैं ट्राई कर रही थी, तो काफी अनकंफर्टेबल सा होता था, बट ये क्लीन हो जाएगा। आई थिंक गीले कपड़े से साफ करेंगे तो अच्छे से क्लीन हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू, बाय।